हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके क्रश की करंट फीलिंग्स। इस वक्त आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जो आप जिसके ऊपर भी आपको क्रश है, हम देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सबसे पहले एनर्जी चेक करेंगे, फिर फीलिंग्स और फिर थाट्स। ठीक है, हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देंगे इस रीडिंग को। पहले एनर्जी चेक करेंगे, आपके क्रश की करंट एनर्जी, इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है। प्लीज माइंड योर सेंस स्पीड गाइड मेरे व्यूवर के क्रश की एनर्जी क्या है इस वक्त। जनरल रीडिंग होती है, आप तुरंत कर भी सकती हैं और नहीं भी। आप किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप तुरंत कर सकती हैं। आपके क्रश की करंट फीलिंग्स, आपके क्रश की करंट फीलिंग्स, एस ऑफ पैंटिकल, एंड यहाँ पे है मेरे पास नाइट ऑफ सोल्ड। एंड फोर ऑफ सोल्ड, आपके क्रश किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपके क्रश की लाइफ में कोई कोई कार्मिक पैटर्न या तो कोई कार्मिक फेस एंड हुआ है। वो एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। अपनी लाइफ में किसी तरीके की क्लैरिटी, उनकी उनकी एनर्जी फील्ड में अपनी अपना सबसे ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी है किसी किसी चीज़ में, अपनी लाइफ में किसी तरीके की क्लैरिटी लाना। ठीक है, किसी क्लैरिटी की तरफ वो अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, फाइव ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कॉइंस, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी है। आपके क्रश किसी कार्मिक फेस, उनकी ज़िंदगी में कोई एंड हो रहा है। जो भी आपके क्रश हैं वो किसी भी वे में कार्मिक फेस हो सकता है। उनकी कोई कार्मिक फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स, मदर, ब्रदर, या तो किसी किसी की अपनी कोई कोई लव लाइफ में कोई कार्मिक फेस, उनका कोई कार्मिक रिलेशनशिप एंड हो रहा है। लेकिन आपके क्रश की फीलिंग्स है किसी कार्मिक फेस को एंड करना। आपके क्रश किसी कार्मिक चीज़ को एंड करके आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्ड है, मतलब फाइव ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कॉइंस, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड लॉस और फीलिंग, मतलब कि एक्सप्रेशन नहीं है उनके पास इस वक्त लाइफ को लेकर, ज़िंदगी को लेकर, एक लव को लेकर, एक किसी किसी विजन नहीं है क्लियर उनकी लाइफ का। कोई ना कोई कार्मिक फेस उनकी लाइफ में एंड हो रहा है। उनको अपनी अपना विजन क्लियर करना है, अपनी उनकी लाइफ में क्लैरिटी लानी है, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। ठीक है, आपकी क्रश इस वक्त किसी कार्मिक फेस की एंडिंग से गुजर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा चेंज अपनी लाइफ में उनके आ रहा है। उन्होंने पास में जो भी जहाँ भी थे बहुत ज़्यादा कार्मिक और टॉक्सिक सिचुएशन से डील किया है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रह सकता है उनका, कहीं पर वो इंटरेस्टेड थे और जहाँ पर उनकी चीज़ें सही बनी बन नहीं पाई, चल नहीं पाई, और चीज़ें उनकी वो हो नहीं पाई। ठीक है, ऐसा हो सकता है कोई ना कोई कार्मिक फेस उनकी ज़िंदगी का एक एंडिंग की तरफ जा रहा है। आपके क्रश क्रश किसी एंडिंग, किसी लॉस, किसी किसी एक एक उनकी लाइफ में कोई एक्सप्रेशन ख़त्म हुआ हुआ है। ठीक है, एक एंडिंग से गुजर रहे हैं। फाइव ऑफ कॉइंस, फाइव फाइव की एनर्जी, कोई बड़ा चेंज, कोई बिग चेंज उनकी ज़िंदगी में आ रहा है। किसी क्लैरिटी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, किसी क्लैरिटी की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि एक बिगनिंग, एक स्टार्ट, एक यहाँ पर एक स्टार्ट उनकी लाइफ में उनको जिसकी नीड है, एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। उनकी जो एनर्जी है इस वक्त थोड़ी सी अपसेट और लॉस की एनर्जी है। ठीक है, किसी एनर्जी, किसी किसी टॉक्सिक साइकिल को एंड करने की एनर्जी है और आगे न्यू बिगनिंग की तरफ देख रहे हैं। किसी क्लैरिटी के साथ वो अपनी लाइफ को आगे की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं। और अगर आप उनसे कनेक्टेड कभी कभी होते हैं तो आपके लिए वो क्या सोचते हैं, मीन्स अगर क्रश हैं तो क्रश आपने कभी उनको देखा होगा, कभी कम्युनिकेट किया होगा, या तो उनकी नज़रों में भी आपकी आप होंगे तभी वो आपकी नज़रों में आए। तो हम देखते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स है। वो आपको जब भी देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं आपके क्रश। ठीक है, पहले हमने उनकी एनर्जी चेक करी, अब हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं कि आपके लिए वो क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके क्रश। लेकिन उनकी एनर्जी में किसी कार्मिक जगह से निकलना है, किसी कार्मिक फेस को उनकी लाइफ में एक एंडिंग हो रही है। वो क्लैरिटी के साथ अपना विजन क्लियर करके, अपनी अपनी सोच को क्लियर करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है। आपके लिए उनकी फीलिंग्स कुछ मिक्स्ड हैं। ठीक है, लेकिन वो आपको एक स्टेबल पर्सन, एक स्टेबल
जैसे एक ऐसा पर्सन, एक लॉयल और स्टेबल पर्सन, जैसे आजकल के जो रिलेशनशिप होते हैं उस टाइप का कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन एक वो किसी जो भी कार्मिक उनकी लाइफ में चीज गुजरी है उससे बहुत ज्यादा लॉस उनको फील होता है, ठीक है? आपको एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखते हैं, बहुत ज्यादा एक इमोशनल और स्टेबल पार्टनर की तरह देखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मिक्स्ड सी एनर्जी है उनकी आपको लेकर। यहाँ पर लेफ्ट इन द कोल्ड, इट मीन्स उनको कोई भी जो उनकी लाइफ में जो एक साइकिल एंड हुआ वो उनकी लव लाइफ में हो सकता है, जो बहुत ज्यादा जैसे एक बिल्कुल एक होप नहीं है उनके पास लव लाइफ को लेकर, होपलेस है, ठीक है? उनकी लाइफ में जो होप खत्म हुई है वो लव लाइफ को लेकर हुई है। वो आपको एक स्टेबल पर्सन, एक इमोशनल पर्सन की तरह देखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में जहाँ भी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा फेस की हुई है, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा टॉक्सिक उनकी जिंदगी का एंड हुआ है, बहुत बड़े चेंज से गुजर रहे हैं, उनकी एनर्जी में चेंज है, एक क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसी कंफ्यूजन में स्टक नहीं होना चाहते, इसलिए उनकी थोड़ी मिक्स्ड सी एनर्जी है आपको लेकर। वो श्योर नहीं है, लेकिन आपको जो उनको देखने का तरीका है एक बहुत ज्यादा स्टेबल, मेच्योर और एक लॉयल और ऑनेस्ट पर्सन की तरह है, ठीक है? अगर उनकी खुद की बात करी जाए तो वो एक खुद के ऊपर इतना एक उनको ट्रस्ट नहीं है कि मुझे सामने वाला पर्सन पसंद कर सकता है या सामने वाला पर्सन मुझे अप्रोच कर सकता है, ठीक है? उनको एक तो जो उनकी लव लाइफ में जो उनके पैटर्न गुजरे हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर है, ठीक है? क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, एक इमोशनल पर्सन जो बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग और एक मदरली केयर करने वाला पर्सन, और स्टेबिलिटी भी देखते हैं कि अगर जैसे एक स्टेबल पर्सन है, आप किसी के साथ भी कनेक्ट होंगे तो आप ऐसे पर्सन है कि इन एंड आउट वाले नहीं है, बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत दूर तक चलेंगे, ठीक है? बहुत दूर तक रहेंगे। थॉट्स, आपके क्रश के थॉट्स क्या है, आपके क्रश के थॉट्स आपके लिए, प्लीज माय जस्ट हैंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के क्रश के थॉट्स क्या है। पेज ऑफ कॉइंस, आपको लेकर थॉट्स क्या हैं? एट ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा एक खौफ ज्यादा से हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, उनको ऐसा लगता है वो जिसके करीब जाएंगे वो उनको छोड़ जाएगा, जिसके करीब वो एक फीलिंग ऑफ लव और एक्सप्रेशन को लेकर जाएंगे वो उनकी जिंदगी से चला जाएगा, वो उनकी जिंदगी से निकल जाएगा, ठीक है? बहुत ज्यादा एक नाइट ऑफ सोर्ड, मैंने बार बार कह रही हूँ, एक बिगनिंग और क्लैरिटी, देखिए स्टार्टिंग में आया था उनकी एनर्जी में मुझे वो किंग ऑफ सोर्ड, नहीं नाइट ऑफ सोर्ड, और यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ सोर्ड, मतलब कि बहुत ज्यादा कोल्ड और डिटैच हैं अपनी लाइफ में, उनको न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग चाहिए। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज्यादा कोल्ड, डिटैच और क्लैरिटी, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर बढ़ना चाहते हैं, और एंडिंग में नाइट ऑफ सोर्ड है और एस ऑफ कप है, इट मीन्स बिगनिंग चाहते हैं, एस ऑफ कॉइन है, बिगनिंग चाहते हैं बट क्लैरिटी के साथ कि सामने वाला उतना ही लॉयल रहेगा जितना वो उनके साथ रहेंगे, इट मींस इस चीज़ की वो श्योरिटी चाहते हैं सामने वाले से। उनके लिए आपके जो थॉट्स हैं वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं और वो करना चाहते हैं आपके साथ, अगर कुछ ना बन सके तो वो अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहेंगे उनको, लेकिन ऐसा लगता है वो लव के सिलसिले में बहुत ज़्यादा अनलकी पर्सन है, वो जिसके साथ कनेक्ट होते हैं वो उनकी ज़िंदगी से चला जाता है, वो जिसके साथ इमोशनली अपने अपने एक्सप्रेशन, अपना लव एक्सप्रेस करने लगते हैं उसके साथ, जब उनकी उनकी जब एक बाउंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लग जाती है, जब उनको उसकी आदत हो जाती है, वो पर्सन उनकी ज़िंदगी से निकल जाता है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ कुछ कार्मिक रहा है, कुछ कार्मिक सिचुएशंस रही हैं, ठीक है? इस वक्त उनका मेन फोकस किधर है, प्लीज माइंड दिस स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के क्रश का इस वक्त मेन फोकस किधर है? मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रक है आपके पार्टनर में, आपको आपके पार्टनर नहीं, आपके क्रश बहुत ज्यादा मेंटली कहीं ना कहीं स्ट्रकनेस से गुजर रहे हैं, कोई कार्मिक फेस उनकी जिंदगी से एंड हो रहा है, उनको हीलिंग की नीड है और एक स्पेस उनको चाहिए, उनको स्पेस की नीड है, हीलिंग की नीड है, जो भी कार्मिक उनकी लाइफ का ड्रामा एंड हो रहा है वो बहुत उनको तकलीफ उसने बहुत टाइम तक दिया है, बहुत अरसा गुजरा है जिसमें वो तकलीफ में रहे हैं। इस वक्त मेन फोकस उनका किसके ऊपर है, पीस माइंड एंड स्पीड गाइड, मैरिज, कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी, ओके, उनका मेन फोकस किस तरफ है? फोर ऑफ सोर्ड, बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, स्लीप प्लस नाइट भी नजर आ रही है, और सोचने की, फोर ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ कॉइंस, अभी खुद को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते, होप
होल्ड बैक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा किसी से जुड़ नहीं रहे, वो बहुत ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहे, उनका फोकस है खुद के सेल्फ पर लेकिन बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं। अब वो बहुत ज्यादा ओपन अप होके लोगों से बात नहीं करते, थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, निकलना चाहते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ किसी कंफ्यूजन से बाहर होना, बाहर आना चाहते हैं। उनके पास दो रास्ते हैं, ठीक है, उनके पास किसी तरीके के दो रास्ते हैं। फूल, एक न्यू बिगनिंग, एक स्टार्ट अपनी जिंदगी में, एक न्यू, वो कोई रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। देखिए, एक न्यू स्टार्ट, एस ऑफ वॉन्ड, बहुत ज़्यादा करेजियस होकर अपनी लाइफ में अपना पैशन का फोकस चेंज करने की तरफ उनका बहुत ज़्यादा फोकस चल रहा है, अपना उन्होंने फोकस चेंज करना है। स्टार, खुद को हील करना, मैंने कहा यहाँ पर आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ, यहाँ पर आपके पार्टनर को हीलिंग की भी ज़रूरत है। स्टार का आया तो इट मीन्स वो स्टार भी अपनी लाइफ में हीलिंग की नीड है उनको। थ्री ऑफ सोर्ड, हार्ट ब्रोकन है आपके क्रश, उनका जो फोकस है इस वक्त खुद के सेल्फ पर है। डेविल, यहाँ पे कोई ना कोई टॉक्सिसिटी उनकी ज़िंदगी में रही है। टावर मोमेंट, कुछ एंड हुआ है आपके क्रश की लाइफ में, कुछ ना कुछ नेगेटिव एंड हुआ है। यहाँ दी मैजिशियन, अपनी लाइफ में बिगनिंग स्टार्ट चाह रहे हैं लेकिन जो जो एंड हो गया उससे बहुत ज़्यादा वो खौफज़दा भी हैं और एक डिप्रेशन में भी हैं। खुद की उनको हीलिंग की नीड है, अपनी लाइफ में कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं आपके क्रश, ठीक है। टेन ऑफ पॉइंट्स, इस वक्त अपना फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त आपके क्रश की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के ऊपर फोकस है, अपनी लाइफ के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर, अपनी अपनी न्यू बिगनिंग के ऊपर फोकस है, ठीक है, बिल्कुल। नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत अपनी अपनी ग्रोथ पे काम करना चाहते हैं, अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं, अपनी लाइफ पे वर्क करना चाहते हैं, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे वर्क करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव, जो भी क्रश है आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, समझदार, सोच समझ कर आगे की तरफ बढ़ने वाला, हर चीज़ को देखने वाला, ठीक है। आपको एक क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की तरह देखते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल देखते हैं लेकिन उनके अंदर एक एक डर है, उनके अपने ही डर हैं, उनके अपने ही ट्रॉमा है, उनका अपना ही खौफ है हर चीज़ को लेकर, ठीक है। दी लवर, यहाँ पे उनको उनको जो खौफ है उनके दिल को हर्ट करने का, कोई उनको हर्ट ना कर दे, कोई उनके दिल को दुखा ना दे, कोई उनके साथ वही पैटर्न वापस रिपीट ना करे जो उनके साथ हुआ, ठीक है। बिगनिंग करना चाहते हैं, पैशनेट बिगनिंग, स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, अपने आप को पावरफुल और एक एनर्जी में लाना चाहते हैं। हार्ट ब्रोकन है, हीलिंग कर रहे हैं खुद की, अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, अपने कैरियर पर, अपनी लाइफ पर, जो भी चीज़ें हैं उनको देख रहे हैं। लेकिन डेविल और थ्री टावर, मैंने आपको स्टार्टिंग से कह रही हूँ, उनकी लाइफ में कुछ एंडिंग हुई है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक एक बुरा फेस उनकी ज़िंदगी का एंड हुआ है। यहाँ पे दी टावर है और दी डेविल है, कोई टॉक्सिक साइकिल जो उनको काफ़ी अर्सा, किसी को 8 साल परेशान कर रही थी, किसी को 6 साल, किसी को 5 साल, लेकिन ये अर्सा रहा है, कुछ ना कुछ जजमेंट कॉल हुआ है यहाँ पे, डिवाइन इंटरवेंशन से ये साइकिल का एंड हुआ है। यहाँ पे कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन आपके पर्सन को बहुत टाइम स्ट्रक करके रखी है, उनको स्लीपलेस नाइट्स उस कार्मिक सिचुएशन ने दी है, बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर किया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उन्होंने सिचुएशन में फेस करते रहे, लेकिन अब करेज वो इकट्ठा कर करेज अपने अंदर दिखाकर वो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में अपनी फ्रेंडशिप ख़राब नहीं करना चाहते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कहीं भी वो इमोशनली कनेक्शन को बनाएंगे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर आपकी तरफ से उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी तो आपके साथ बिगनिंग ज़रूर करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगेगा कि आप लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, वो किसी ऐसे आप फ्लर्टिंग रिलेशनशिप में वो इनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप ये पूछेंगे कि ये एक फ्लर्टिंग नहीं, तो आप फ्लर्टिंग रिलेशनशिप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये उस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे जिनको लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दिखेगा, जो लॉन्ग टर्म पार्टनर होगा ये उसको चूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं, होल्ड बैक करेंगे जब तक तो कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा पार्टनर उनको सामने से या अप्रोच ना करे, या तो उनको उसमें वो एबिलिटी, वो क्वालिटीज़ ना दिखें, उस वक्त तक सब कुछ होल्ड बैक करेंगे। उस जब तक जैसे अपनी कहीं कोई इंसान गलती करता है तो उससे लर्न करता है, जो उन्होंने लर्न किया है वो अपने आप को अनएक्सप्रेसिव कर लिया उन्होंने, वो उनका एक्सप्रेशन नहीं रहे, वो पहले इंसान को समझेंगे उसके बाद कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे, खुद उसके बाद उस खुद को ओपन अप करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ और हर्ट इस कार्मिक साइकिल में उठाए हैं, ठीक है। जो भी कार्मिक पर्सन था उससे बहुत ज़्यादा हर्ट मिला है उनको, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मिला है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी मिली है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।